दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, हम बघौला में हैं, पलवल जिले में। आप लोग देख रहे हैं सेवा घर आश्रम है, जहां पर वृद्ध असहाय लावारिस लोगों के लिए रहने की व्यवस्था है। आप लोग जानते हैं कोई बुजुर्ग है, वृद्ध है, असहाय है, लावारिस है, बेसहारा है, इनके लिए ऐसे सेवा घर आश्रमों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं, ये भी बताते हैं कितने लोगों की व्यवस्था है। इसका नंबर आप लोग नोट कर लें, 99 फिर 914162 और 20। तो ये नंबर आपको नोट करके रखना है, ताकि कोई बुजुर्ग दिखे, कोई बेसहारा दिखे, तो उसको सहारा मिल सके। आइए चलते हैं, आपको दिखाएंगे, ये भी बताएंगे कितने लोगों की व्यवस्था है। ये बच्चा बताएगा। बेटा क्या नाम आपका? गर्व। यहाँ सेवा घर आश्रम कहाँ है? यहाँ से सीधा जाके। हाँ आप बताओ। यहाँ से सीधा जाके उस तरफ मुड़ जाओ। अच्छा, यहाँ से सीधे जाके उस तरफ मुड़ जाओ, जहाँ पे वो साइकिल है ना। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ। देखो बच्चों, बच्चों को पता है कि सेवा घर आश्रम कहाँ है। तो चलते हैं दोस्तों। देखिए आप भी हमें फोन करते होंगे, भैया कोई आश्रम बताओ, कोई वृद्धाश्रम बताओ, कोई ऐसा आश्रम बताओ जहाँ पर बेसहारा लोगों के रहने की व्यवस्था हो। तो हम आपको बताते रहते हैं, अभी एक नया सेवा घर दिखाने वाले हैं, ताकि आपको अपने आप से जो है यहाँ पर भेज सकें, कोई भी ऐसा बेसहारा आपको दिखे। अभी देखिए पहुँचने वाले हैं, ये रहा मेरे ख्याल से, ये रहा सेवा घर वृद्धाश्रम। आप लोग नंबर नोट कर लें जो हमने आपको बताया था। और अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं कितने लोगों की व्यवस्था है। कुछ लोग देखिए आराम कर रहे हैं, भाई दिखा दो कैमरा में। देखिए रैंडमली हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और देखिए ये तीन लोग आराम कर रहे हैं, पंखा वंखा चल रहा है। और इधर दिखाएंगे बैठने की व्यवस्था है, देखिए कई लोग बैठे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। इधर भी देखिए दो तीन लोग आराम कर रहे हैं, दिखाओ भाई कैमरा में। तो यहाँ भी तीन लोग आराम कर रहे हैं, सबसे राम राम। हाँ आइए, जो है इधर भी कुछ लोग राम राम कर रहे हैं, राम राम जी, राम राम। देखिए महिलाएं हैं और मैडम जी हैं जो इसको ऑपरेट कर रही हैं, जो सारा देख रेख कर रही हैं, तो थोड़ा इनसे बातचीत कर लेंगे। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार भाई साहब। शुभ नाम अपना? जी मेरा नाम कांता देवी है। कांता देवी जी, जी तो आप ही संचालित करती हैं सेवा घर आश्रम को? जी। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर कितने लोगों के रहने की व्यवस्था, थोड़ा सा बताइए। अभी हमारे यहाँ पे वैसे तो 10 लोग रह रहे हैं, लेकिन हमने व्यवस्था 25 से 30 लोगों की कर रखी है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी। ये कब से चल रहा है आश्रम आपका? ये हमारा अक्टूबर 2021 से चल रहा है जी, 2.5 साल हो गया। 2.5 साल हो गए। अच्छा कितने लोगों की सेवा हो चुकी है अब तक? अभी तक हो चुकी है कम से कम 50 से 60 लोगों की, जिनमें से जो लावारिस मिले हैं हमें, उनमें से हम 20-22 लोगों को उनके परिवार से मिलवा चुके हैं, लावारिस लोगों को। तो देखिए कितना बढ़िया काम हो रहा है, जो लावारिस मिलते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है, खाना पीना रहने की व्यवस्था की जाती है, और उनके परिवार वालों से संपर्क करने का प्रयास किया जाता है, उनको ढूंढा भी जाता है और परिवार से मिला दिया जाता है। तो कितना नेक काम है। अच्छा ये बताइए और कितने लोग रह सकते हैं अभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि आपका इस तरह से सेवा घर आश्रम है, तो कितने लोगों की और व्यवस्था हो सकती है? 25 से 30 लोगों की और हो सकती है हमारे यहाँ पे व्यवस्था। 15 लोग बता रहे हैं, 10 लोग बता रहे हैं, अभी जो है 15 आदमी और रह सकते हैं, तो यहाँ पर इतने लोगों की व्यवस्था है। तो कोई भी आपको इस तरह का आदमी दिखे, बेसहारा वृद्ध हो, जिसका कोई सहारा ना हो, तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर लें, 9991416220। अच्छा खर्चा पानी कहाँ से निकलता है, जो लोग आप खर्चा करते हैं इतने लोगों को यहाँ पर जो है ध्यान रखने में, तो कहाँ से निकलता है खर्चा? खर्चा पानी के लिए आपसी भाईचारा है, आपसी गांव समाज का सहयोग मिलता है। और हमारे यहाँ पे समय समय पर कोई अपना जन्मदिन मनाने आ रहा है, कोई एनिवर्सरी मनाने आ रहा है, तो उन भाई लोगों का, उन बहनों का भी सहयोग मिलता है। अच्छा। जो हमारे बुजुर्गों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं और इनकी भी खुशियों का कारण बनते हैं। बिल्कुल जी, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कहीं पर अपना जन्मदिन मनाते हैं इन बेसहारा लोगों के संग में, और अपना यहाँ पर आते हैं, अपना नाश्ता पानी इनको कराते हैं, इनके पास रहते हैं, इनसे बातें करते हैं, वो लोग भी सहयोग कर देते हैं, बाकी गांव वाले भी सहयोग करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे नेक काम में सहयोग करते हैं।
तो वहीं से जो है इनका काम चल रहा है। तो हर चीज़ की बढ़िया व्यवस्था है आपके यहाँ तो, बिल्कुल बाथरूम वगैरह हर चीज़ है। हाँ जी, अपनी ओर से खाना वगैरह यहीं बनता है। हाँ जी, यहीं पे बनता है सभी के लिए। तो देख रेख करने वाले और भी लोग होंगे यहाँ पर? नहीं, और कोई नहीं है, मैं ही खुद ही संभालती हूँ। अच्छा। और बाकी बाबा हैं आश्रम में रहने वाले ही। हाँ। वो थोड़ा बहुत देखभाल कर लेते हैं। अच्छा, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी, उनका सहयोग मिलता है हमें पूरा। हाँ। ये नहीं सोचते कि हम दूसरी जगह आश्रम में रह रहे हैं। हाँ। वो ये सोचते हैं हम अपने घर में रह रहे हैं और अपने घर के जैसा ही इसे देखभाल करें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी मेहनत कर रही हैं, 10-10 लोगों के रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है। तो आइए थोड़ा बात भी कर लेंगे कुछ लोगों से। तो ये नंबर आप लोग नोट कर लें, देवली मोड़ बघोला पलवल, और ये नंबर हमने बार बार बताया ताकि आप जो है इनसे संपर्क कर सकें। तो आइए कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। देखिए राम राम तो हमने कर ली है। देखिए कूलर वगैरह भी लगा है ताकि इनको गर्मी ना लगे। ताऊ राम राम। राम राम साहब, ठीक है ताऊ? हाँ जी ठीक है साहब। क्या नाम है? नारायण दत्त। नारायण दत्त जी, ठीक है यहाँ व्यवस्था? ठीक है, बहुत बढ़िया है जी। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं कोई नहीं। बहन जी, कूलर पंखा सब चल रहा है? बहन जी बढ़िया सेवा कर रही हैं। सेवा कर रही हैं बहन जी, देखिए कितनी तारीफ हो रही है। आइए सर से भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार अग्रवाल। अग्रवाल जी, ठीक है व्यवस्था यहाँ? बढ़िया। मन लग रहा है? ओ टकाटक। और सारे से दोस्ती सबसे हो गई होगी? सबसे चलना जी बढ़िया, सबसे अच्छा मेल मुलाकात है। चलो जी, समय सही से गुजरना चाहिए, समय सही से। राम राम। राम राम जी। क्या नाम है? राम सिंह। राम सिंह जी, कहाँ से हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से हैं, और दिल्ली से हैं फरीदाबाद में आश्रम में रहते हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं दिक्कत कोई नहीं, सब बढ़िया व्यवस्था है? सब बढ़िया। चलो जी, देखो कितनी तारीफ हो रही है। दिल्ली से हैं कोई, कहीं से हैं? आप कहाँ से हैं सर? बल्लभगढ़ से ही हैं, अपने पास से ही हैं। तो ठीक है, आप लोग आराम से रहिए। हाँ, और आप लोग भी जो है सहयोग कर सकते हैं, नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ आप खुद आ सकते हैं, जन्मदिन मनाइए, कोई और ख़ास फंक्शन है, बेटे का जन्मदिन मनाइए, इनके साथ समय बिताइए। और यही लोग करते हैं, इनके साथ समय बिताते हैं। अच्छी खासी जगह है, आप लोग देख रहे हैं, बाहर भी अच्छी खासी जगह है, शाम को आराम से बैठ सकते हैं जो है यहाँ पर, और अंदर भी रहने की पूरी व्यवस्था है, सभी कमरों में कूलर लगे हैं, तो हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर है। ठीक है जी। हाँ, कोई और नंबर देना चाहेंगी इसके अलावा? नंबर तो कोई नहीं, और एक है। अपील है मेरी सभी। हाँ। से जो भी हमारी देख रहे हैं, अगर किसी को भी कोई भी लावारिस बुजुर्ग व्यक्ति कहीं भी मिलता है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या उसे हमारे यहाँ पर आश्रम में छोड़कर जा सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, सभी कुछ माताओं से भी बातचीत करा तो हैं जी, महिला ब्रिगेड अम्मा सो रही हैं आराम से। चलो जी, अम्मा सो रही, ठीक है, तबीयत ठीक है ना सबकी? तबीयत ठीक है। चलो जी, इनको कष्ट नहीं देंगे, बुजुर्ग हैं, आप सेवा करते रहिए। हमें भी काफ़ी खुशी हुई देखकर, आपकी सब तारीफ़ ही कर रहे हैं हम। तो एड्रेस बता दिया, कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दिया दोस्तों। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।